calling to say I... हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारे पास तीन ही सबसे ख़तरनाक गाड़ी है 300-400 सेगमेंट की, मेरी RR 310, RC 390 और हमारी नई जाने मन Ninja 300। तो टॉप एंड में तो मुझे लगता है ये दोनों में देखते कौन जीतता है, पर Ninja 300 टॉप एंड निकाल ले जाएगी डुअल सिलेंडर इंजन की वजह से, और ये दोनों सिंगल सिलेंडर है। पर यार उसका टॉप एंड कितना है, इसको हल्के मत लो। अरे ठीक है, मैं नहीं ले रहा हूँ हल्के में, पर उसका टॉप एंड मैंने देखा है। अरे सर आप तो ये तो मतलब हवा है, हवा बैठ जाते हैं और साइंस उड़ जाते हैं। एंड डोंट ट्राई दिस एट योर रोड होम, नहीं ट्राई मत करना, मत करना ट्राई। हम लोग बेवकूफ़ है ना, इसलिए तुम नहीं हो, तुम समझदार हो, तुम नहीं करोगे। सो RC 390 मैं चलाऊंगा क्योंकि सबसे भारी मैं हूँ और ये लोग हल्के हल्के लोग हैं। अरे मेरा एक गियर मिस हो गया। शिफ्टिंग नहीं हो रही सही से, इस बाइक में गियर फंस रहा है जिसकी वजह से काफी पीछे हो गया मैं।
जाओ भाई, क्या बात है, मैंने आरसी को पीछे कर दिया। रुको जरा, सबर करो, मुझे तो लग ही नहीं रहा था मैं पीछे कर पाऊंगा। अरे नहीं यार, ये निकल रहा है। What the fuck is going on here? भाई रेस हुई है। मैं तुम्हें देखा, तुम फिर आ रहे हो, तुम जैसे ही इधर गए हम क्या, नहीं 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 इधर थोड़ा बोले खड़ी करके फोटो खिंचाएंगे। भाई गजब मजा आ गया यार, आर आर कहाँ है? Wait a minute. कुछ फ्यूल टैंक का कुछ फट गया है। अबे भाई आग लग जाएगी, वो तो शुक्र मना हम रोड लिए टाइम पे। तो मतलब मेरी एनालिसिस एकदम सही थी, बहुत स्मूथ थी, और मेरी एनालिसिस सही हुई। आप एक बार एनालिसिस देखिए। मुझे लगता है आरसी जीतेगी, मैं बैठा हूँ उस पे, मुझे लगता है बस आप ना दम लगा देंगे। हाँ देखो, मैं आरसी पे बैठा हूँ ना, और तुम हल्के
मतलब 25 किलो का अंतर होगा 30 किलो आरसी स्टार्टिंग में निकल जाएगी। हाँ, आरसी फट जाएगी कि देखो मेरे मानना है कि इनिशियल में आरआर 310 और निंजा बराबर ही चलेगी या आगे पीछे थोड़ा बहुत होगा, आरसी निकल जाएगी इनिशियल में। टॉप एंड में मैं बताऊं आरसी और निंजा में फिर कंपटीशन रह जाएगा क्योंकि इसका टॉप एंड 160 पे ख़त्म हो जाएगा 165 पे। सो गाइस जैसा आपने देखा कि आरआर 310 में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए, एक्चुअली इसका जो पाइप था वो फट गया, मतलब फट नहीं गया, फेंक दिया उसने सॉकेट से, वो निकल आया हाई प्रेशर के कारण। फिर बाकी देखा जाए तो क्लियर विरर यहाँ पे है आरसी 390 बिकॉज टॉप एंड में ये सबसे आगे थी एंड इसने स्लिप स्ट्रीमिंग करके इसके पीछे तो आ गई लेकिन इससे आगे एकदम नहीं निकल पाई। जहाँ इसको विंड्रैक मिल रहा था तुरंत ये जो है वो पीछे चली आ रही थी एंड आरसी 390 इज़ द क्लियर विनर। एंड ये प्रॉब्लम में आ गई और ये पीछे रह गई, पर कोई बात नहीं है क्योंकि सब जानते हैं कि इसका टॉप एंड उन दोनों के कंपैरिजन में कम है तो ये आगे तो नहीं जा पाती। बाकी निंजा इतनी पावरफुल 300 सीसी की इसलिए है क्योंकि वो डुअल सिलेंडर इंजन है, उसमें दो सिलेंडर लगे हुए हैं और ये दोनों बाइक जो है वो सिंगल सिलेंडर इंजन है तो इस वजह से वो कम्पीट कर पाई, उसके बराबर आ पाई। पर मानना पड़ेगा कि आरसी 390 इज़ द क्लियर विनर, वो बीस्ट है टोटली। एंड मेरी बाइक भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कुछ ऐसा नहीं है यार, मतलब थोड़ा है, बाइक है, ऐसा नहीं है कि बहुत पिछड़ी हुई है नॉमिनार को तो हड़ा देती है ना सो होप करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मेरा इंस्टा आईडी यहाँ पे दिख रहा होगा, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। मिलते हैं आज से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।